हजार पौधे जिसमें औषधीय पौधे भी हैं, पत्तों वाले पौधे भी हैं, घास वाले पौधे भी हैं जो स्थानीय लोगों के काम आ सकते हैं। कुछ फलदार वृक्ष जो जंगली फलम जिनको कहते हैं, आंवला है, बेल है और इसी तरह के अन्य फलदार पौधे भी यहाँ पर रोपित किए गए। नियमित रूप से इसकी देखरेख हो रही है। कुछ स्वयंसेवी लोग यहाँ पर साप्ताहिक रूप से पौधों की देखरेख के लिए आते हैं। वहाँ पर सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है तो सिंचाई का भी काम करते हैं। और मेरे को आज बेहद खुशी हो रही है जब 2019 की विदाई हो रही है और मुझे लगा कि मुझे आज इन पौधों से मिलना चाहिए जा करके। आज 90% पौधे यहाँ पर जीवित हैं, तो ये भविष्य के लिए हमारे जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी सीखने का स्थान बनेगा और एक डेस्टिनेशन के रूप में भी डेवलप होगा। और मुझे बताया गया कि यहाँ पर नियमित देखभाल से और जो पौधों के कारण पानी के टेबल में भी अंतर आना शुरू हुआ है। तो जो हम चाहते थे और जो हम चाहते हैं फ्यूचर के लिए कि रिस्पना नदी एक बार फिर ऋषि प्रणा बने, यानी कि उसमें पानी आए, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश है 2019 का। बिपिन रावत को एक नई जिम्मेदारी मिली है।